अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है थ्री मल्टी सेलुलर फाइला। थ्री मल्टी सेलुलर फाइला में हमारे पास मीसोजोन फाइला आएंगे और प्लैकोजोन फाइला आएंगे। मीसोजोन फाइला में हमारे पास ऑर्थोनेक्टिडा है, फाइलम ऑर्थोनेक्टिडा एंड फाइलम रोम्बोज हुआ। और नेक्स्ट हम इनकी डिटेल देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीसोजोआ, मीसोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं ये, साथ में इसकी डायग्राम है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, दे हैव नो ऑर्गन्स, नो टिश्यूज़, नो इंटरनल कैविटी, कोई इंटरनल कैविटी नहीं है इनके अंदर, नो गट, यानी कोई इनका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं है, ठीक है, कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन उनके अंदर नहीं होगा। बॉडी जो है वो टू सेल लेयर्स से मिलके बनी है, ओनली टू सेल लेयर्स, ठीक है। कुछ सेल्स जो हैं वो डिवेलप कर रहे हैं इनसाइड ऑफ अदर सेल्स, और दो सेल लेयर से मिलके इनकी सिंपली जो है वो बॉडी बनी है, ठीक है। इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है मीसोजोआ के। इस पे अगर क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब या इनलिस्ट द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीसोजोआ, तो आप उसमें ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फाइलम ऑर्थोनेक्टिडा एंड फाइलम रोम्बोजोआ, इनमें क्या होता है। इनकी अप्रॉक्सीमेटली 100 स्पीशीज़ हैं। मीसोजोन जो हैं वो पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, और लार्वा और एडल्ट की फॉर्म में ये पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक इनका लाइफ स्टाइल है। डायोशियस हैं वो, कैसे के सेपरेट सेक्सेस हैं, मतलब के दो इंडिविजुअल्स होंगे, फीमेल का अलहदा होगा और मेल का अलहदा होगा। जिस तरह मोनोशियस होता है उसमें एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों दोनों जेंडर्स होते हैं, ठीक है, मेल सिस्टम भी होता है और फीमेल भी होता है। लेकिन डायोशियस में सेपरेट सेक्सेस के केस में आपके पास दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग होंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती हैं, और इनकी जो बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 सेल्स डेट आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स। टू लेयर्स कौन कौन सी, इनर लेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड आउटर लेयर ऑफ सीलिएटेड सेल्स, ठीक है। इनर लेयर में हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे और आउटर लेयर में हमारे पास सीलिएटेड सेल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइलम प्लैकोजोआ। प्लैकोजोन्स के जनरल फीचर्स हम देखते हैं, ये साथ में इसकी डायग्राम है। इस टाइप के होते हैं प्लैकोजोन्स, ठीक है, इनकी कोई सिमेट्री नहीं है, दे हैव नो सिमेट्री, दे हैव नो डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, दे हैव नो नर्वस सिस्टम, दे हैव नो बॉडी कैविटी, एंड बॉडी इज़ लाइक अ फ्लैट डिस्क, एक फ्लैट डिस्क की शेप तरह की है, जिस तरह यहाँ पे आपको एक फ्लैट सब नज़र आ रहा है गोल सा, ठीक है। बॉडी हैज़ टू लेयर्स ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल्ड टू लेयर बॉडी है इनकी, ठीक है। प्लैकोजोन्स क्या होते हैं, स्मॉल मेरीन एनिमल्स होते हैं। एज़ कम्पेयर टू मीसोजोन्स दे आर नॉन पैरासिटिक इन नेचर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मीसोजोन्स कौन से होते हैं, मीसोजोन पैरासिटिक थे, ठीक है, लेकिन ये हैं नॉन पैरासिटिक। प्लैकोजोन्स आर नॉन पैरासिटिक। इनका साइज़ जो है वो 2 to 5 mm रेंज करता है, ठीक है, मिनिमम जो है वो 2 होगा और मैक्सिमम 5 mm। एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे ट्राइकोप्लेक्स एडहेरेंस की। ट्राइकोप्लेक्स एडहेरेंस जो हैं दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1800s, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे 1800 में। उसके बाद ये रीडिस्कवर हुए थे 1960s में रेड सी में, रेड सी में हुए थे एलजी से, ठीक है, उस पे पाए गए थे। दे कंसिस्ट ऑफ टू एपिथीलियल लेयर्स विथ फाइबर सेल्स। दो एपिथीलियल लेयर्स होती हैं इनके अंदर, जिसमें फाइबर सेल्स होते हैं, फाइबरस सेल्स, ठीक है। अपर एपिथीलियम जो है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल एंड ट्रांसपेरेंट स्फीयर्स ऑफ फैटी मटीरियल। लाइक जो अपर एपिथीलियम होगी उसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे और ट्रांसपेरेंट स्फीयर्स होंगे फैटी मटीरियल के, ठीक है, फैट होगा और फ्लैजिलेटेड सेल, यानी अपर एपिथीलियम के अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी। और जो लोअर एपिथीलियम होगा उसके अंदर हमारे पास फ्लैजिलेटेड सिलेंडर सेल्स होंगे और ग्लैंड सेल्स होंगे। ग्लैंड सेल्स जो हैं वो सिक्रीशंस बनाते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स तो लोकोमोशन में हेल्प आउट करेंगे। फीडिंग कैसे करते हैं,
हमारी ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम ट्राइकोप्लेक्स एडहेरेंस की फीडिंग देखेंगे। ये साथ में डायग्राम है, ये ट्राइकोप्लेक्स एडहेरेंस है और कैसे फीड करता है, बाय फॉर्मिंग वेंट्रल डाइजेस्टिव कैविटी। वेंट्रल साइड पे एक डाइजेस्टिव कैविटी बनाता है, कैसे बनाता है कि सबस्ट्रेट पे होता है ना ये, तो उसमें अपनी बॉडी को रेज करता है ऑफ फ्रॉम द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ऊपर उठाता है और एक वेंट्रल डाइजेस्टिव कैविटी बनाता है और फिर फीडिंग स्टार्ट करता है। एंड इट ऑल्सो सिक्रीट एंजाइम्स इन टू द कैविटी। ठीक है, ये थी आज हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और फर्दर फाइलाज के लिए मैं मज़ीद और वीडियोस क्रिएट करूँगी। थैंक यू।